600 रुपया कमाए उदा से दिए में 600 650 अटो 100 रुपयो काठियो 50 रुपया बचो आ उदा रोड पे खड़े होते हैं लोग हमारे को समझते हैं भिखारी है ये भी कोई नशई मवाली है। नहीं, हम नशई मवाली नहीं है, हम बच्चे बेचने वालों में से नहीं है, हम डाका डाकने वालों में से नहीं है। खुदारा हमारी मदद करो। सड़क किनारे बच्चों के हमरा खड़ा ये है हैदराबाद का रिहायशी अमीर अली चांडियो, जो मजदूरी ना मिलने के बायस बच्चों की तालीम और घर के गुजर बसर के लिए लोगों से इमदाद की फरियाद कर रहा है। हैदराबाद के इलाके लालू लाशारी का रिहायशी अमीर अली चांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है, जो रोजगार ना मिलने की वजह से घर की किफालत और बच्चों को तालीम देने से महरूम है। अमीर अली चांडियो का कहना था कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को अपनी फरियाद सुना चुका हूँ, लेकिन अब तक ना तो किसी किस्म की दाद मिली है और ना ही रोजगार। बिलावल भुट्टो साहब हैदराबाद आमद की थी, उन्होंने जाम खान शोरों के यहाँ आए थे, उनका गुजराना हुआ था साइमा प्लाजा हालानागर की तरफ से। तब मैंने मीडिया रिपोर्ट उसके हाथ में दी थी और रोकर कहा था कि साईं आपका ऐलान है कि हम मजदूर कार्ड दे रहे हैं, तो बरा मेहरबानी हमें मजदूर कार्ड दिया जाए ताकि वजीफा मिलेगा, मेरे बच्चों की तालीम होगी, हमारा कुछ गुजर सफर होगा। लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद उन्होंने कोई हमारी मदद नहीं की। 8 अफराद पर मुश्तमिल खानदान की किफालत करने वाला अमीर अली चांडियो रोजाना सड़क किनारे खड़ा होकर रोजगार के हुसूल के लिए लोगों की राह तकता है। अमीर अली चांडियो ने बताया कि महंगाई में मुसलसल इजाफे की वजह से घर में 2 वक्त रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कभी काम मिलता है और कभी नहीं। कि उन्होंने जो वादे किए थे एक भी नहीं निभाया। इनका वादा था कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, हमारे से मकान भी छीन लिया, रोटी भी छीन ली गई और कपड़ा भी छीन लिया गया। इतनी महंगाई हो गई है कि अब रोटी कहाँ से खाएं। पहले हमारे यहाँ होती थी कि बाबा नेरन कई थी माँ झांदो कन्ने, फिर रात की रोटी होती थी, यानी सिंध के अंदर 3 मरतबा लोगों को खाना खिलाया जाता था। अब 1 मरतबा हम नहीं खा सकते हैं, इतने मजबूर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की तालीम के लिए तावन करें, आपके जो ऐलानात हैं, आपके जो स्कूल्स हैं वो कहाँ हैं, किस लिए हैं। महंगाई की चक्की में पिसने वाला ये कोई वाहिद मजदूर नहीं, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ना सिर्फ महंगाई पर कंट्रोल के दावे करे, बल्कि अमली जामा पहनाकर गरीब आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ रेहान गनी, पासबान न्यूज़, हैदराबाद।